हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स करियर पॉइंट और ईयरपीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेरा ये वीडियो है बच्चे, इरिगेशन इंजीनियरिंग से जो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हुआ था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के अंदर, तो मैं उस क्वेश्चन के साथ आया हूँ। तो जो चलिए पहले आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर ये 11 है और 11 के सेकेंड पार्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन में दो पार्ट दिए जा रहे हैं और प्रत्येक जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन का वो पांच पांच नंबर का, राइट। तो चलिए, ये क्वेश्चन आया आपका इरिगेशन से और ये है बेसिकली डिजाइन ऑफ कैनाल से। ऑफकोर्स ऑनलाइन कैनाल के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और ये लेसिस थ्योरी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। दो हमारे पास जो थ्योरी हैं जो बहुत अच्छे से आपको स्टडी करनी होती है, कैनेडी थ्योरी एंड लेसी थ्योरी। और मैक्सिमम केस में बच्चे, जैसा कि मैंने क्लासरूम के अंदर भी बच्चों को बताता हूँ जब हम ये इरिगेशन स्टडी कर रहे होते हैं, कि लेसिस थ्योरी से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू कैनेडी थ्योरी, राइट। तो सेम हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी सेट और हो चुका है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे ना मेरा जो कंसर्न है वो है कैनाल के साथ, तो मैंने इसे एक पिक्चर भी यहाँ पे फ्रेम किया कैनाल का। दिस यू ऑल नो वेरी वेल, दिस काइंड ऑफ द कैनाल दैट वी हैव। ओके, कैनाल क्या हो गया बेसिकली? कैनाल तो एक ओपन चैनल फ्लो हो गया। आर यू गेटिंग? कैनाल क्या हो गया? कैनाल तो एक ओपन चैनल फ्लो हो गया, राइट। बट इस कैनाल, कैनाल इज ए काइंड ऑफ द ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो की जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितनी भी इसके अंदर पैरामीटर्स आते हैं बच्चे, आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। देखो सवाल में क्या पूछा है इसने, पहले तो मैं सवाल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट। अ चैनल सेक्शन इज टू बी डिजाइन बाय लेसीज सिल्ट थ्योरी। कैनेडी थ्योरी भी है, उसके ऊपर एडवांसमेंट हुआ लेसी के द्वारा, राइट। एंड वी हैव द गिवन डाटा इन द क्वेश्चन। ये हमें डाटा गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? वेलोसिटी बताओ कितना है फ्लो का, ये चैनल का विड्थ बताओ कितना है, डेप्थ ऑफ फ्लो बताओ कितना है पानी का चैनल के अंदर, हाइड्रोलिक मीन रेडियस बताओ कितना है और लॉन्गिट्यूडिनल फ्लो बताओ। इन शॉर्ट आप ये देख सकते हो पांच पार्ट इसने पूछे हैं। प्रत्येक जो पार्ट है ना इस क्वेश्चन का भी, जो यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, तो एक एक आप चीज सॉल्व करोगे तो आपको एक एक नंबर मिलता जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सबसे प्लस पॉइंट बच्चे ये रहता है, अगर आप पूरा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए है ना, आपने कुछ हद तक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपको उसका भी मार्क्स मिलेगा पेपर के अंदर, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। और सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व करना, मैं आपको ये भी बोलता हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा ये मॉड्यूल चल रहा है बच्चे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का चल रहा है, तो बच्चों को ये लिखने नहीं आ रहा है कि उन्होंने सब्जेक्टिव का आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू द राइट अप्रोच। सबसे पहले बच्चे आप पेपर के अंदर फ्रेम करें गिवन डाटा। सबसे पहले आप पेपर के अंदर फ्रेम करें गिवन डाटा, जो जो डाटा आपको गिवन है। सो लेट मी राइट गिवन डाटा। सबसे पहले आप फ्रेम करें गिवन डाटा कि आपको क्या क्या गिवन है। अगर आप थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर आओगे, सवाल के ऊपर आओगे, आपको डिस्चार्ज गिवन है। वी आर गिवन विद द डिस्चार्ज वैल्यू, ठीक है। डिस्चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और ये हमें गिवन है 40 क्यूमेक का। एक क्यूमेक 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, देख लो। डिस्चार्ज गिवन है क्वेश्चन के अंदर 40 क्यूमेक का। सिल्ट फैक्टर गिवन है आपको 1, तो लिख लेते हैं 1 बाय 1 जो डाटा गिवन है। सिल्ट फैक्टर एफ, ये 1 दिया है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसके साथ हमें यहाँ पे साइड स्लोप का वैल्यू भी गिवन है, इसके साथ हमें चैनल के साइड स्लोप का भी वैल्यू गिवन है। और साइड स्लोप इवन जनरली जब हमें गिवन नहीं होता है, जब बच्चे हम थ्योरेटिकल डाटा स्टडी करते हैं, अगर हमें साइड स्लोप ऑफ चैनल गिवन नहीं होता है, तो हम मान के चलते हैं कि हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल है। लेकिन इसने साइड स्लोप यहाँ पे पहले से ही फ्रेम करके रखा है, वो कितना है आपका हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ठीक है जी। यहाँ पे हमें कुछ भी मानने की चीज नहीं है, हमें तो डाटा गिवन है, तो कितना गिवन है ये 0.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, मतलब हाफ हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है साइड स्लोप का। अब मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, इतना डाटा गिवन है। अब एक काम करो, पेपर में आप ड्रॉ कर लो, पहले तो पेपर में आप ड्रॉ कर लो इसको, अब चैनल को ड्रॉ कर लो उधर, ये लो ड्रॉ कर लेते हैं, इधर साइड में करते हैं, ये लो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं साइड में, ठीक है जी, साइड में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें डेप्थ ऑफ वाटर कुछ हम शो कर लेते हैं, इस चैनल के अंदर डेप्थ ऑफ वाटर को शो कर लेते हैं। मान लो डेप्थ ऑफ वाटर को मैंने यहाँ पे वाई बोल दिया, ये भी पूछ रहा है आपसे कि चैनल के अंदर डेप्थ ऑफ वाटर कितना है वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। और साइड स्लोप गिवन है हमें, साइड स्लोप गिवन है हमें आधा हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल है, हाफ हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल है, गौर करना, या
आप फ्रेम कर सकते हो 0.5 हॉरिजॉन्टल, बात एक ही है, 1 वर्टिकल, 0.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, ये डेटा। नाउ इस सेक्शन का जो हम बेस विड्थ मान लेते हैं, इस सेक्शन का जो बेस विड्थ हम मान लेते हैं, मान लो वो हमारा स्मॉल सॉरी कैपिटल बी है। बेस विड्थ हमने मान लिया इसका कैपिटल बी, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर, क्योंकि इसने सब कुछ पूछा है पेपर के अंदर, ठीक है। वन बाय वन चलते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि इस चैनल में जो भी वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, किस वेलोसिटी के थ्रू हमारा जो चैनल है वो इस नहर में फ्लो कर रहा है, दैट इज द फ्लो वेलोसिटी। ऑल्दो हमारी मीन वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और इसे मैं कैपिटल वी से शो कर रहा हूँ। अब बच्चे यहाँ पे ना डायरेक्टली हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मुलेज हैं, यू हैव टू गो थ्रू दैट फॉर्मुलेज, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मुलेज है डायरेक्टली। चलिए फॉर्मूला, अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो का वी इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूले, आपको याद होनी चाहिए, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 होल रेज पावर 1/6। गौर करना, सबसे पहले आप फॉर्मूला राइट कर दो, क्यू क्या है, क्यू डिस्चार्ज है, वट इज क्यू गिवन इन द क्वेश्चन, 40 क्यू मैक का, एफ सिल्ट फैक्टर, अगर नहीं गिवन होता है सिल्ट फैक्टर, जैसे मान लो आप जे वगैरह एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, कई बार तो आपके ए के ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर भी पूछ लेता है, तो जो आपका सिल्ट फैक्टर होता है 1.76 स्क्वायर रूट के अंदर है सारा टर्म, और DMM जो डी है यहाँ पे वो एवरेज पार्टिकल साइज है, जो स्मॉल डी है वो एवरेज पार्टिकल साइज, स्मॉल डी क्या है, दिस इज द एवरेज एवरेज पार्टिकल साइज, और ये किस में है बच्चे, ये mm के अंदर है, ये किस में है, ये mm के अंदर है, अगर डी गिवन नहीं होता है तो, सॉरी अगर आपको एफ गिवन नहीं होता है, डी तो आपको गिवन होगा, राइट। करो इसको सॉल्व, डिवाइड कर दो इसको 140 से, जो भी आंसर आया, अच्छा इसका स्क्वायर भी है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, जो भी आंसर आएगा उसकी पावर 1/6 भी करनी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, राइट। अब सब्जेक्टिव पेपर है, कैलकुलेटर अलाउड है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हो बच्चे, सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है ना, आई ऑलरेडी सॉल्व दिस वन, तो मुझे जो वैल्यू मिला दैट इज 0.811 मीटर पर सेकेंड, 0.811 मीटर पर सेकेंड, ये आया वेलोसिटी, ये आया वेलोसिटी। कर दिया इसको बक्से में बंद, एक पेपर लिखने के बच्चे एक तरीका होता है, हाउ टू राइट द दिस सब्जेक्टिव पेपर, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप जरूर उस वीडियो को गो थ्रू करें, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखें, आप जरूर उस वीडियो को देखें। तो पहला हमने निकाल दिया वेलोसिटी ऑफ फ्लो, राइट। सेकेंड हमें क्या करना है बच्चे, सेकेंड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट हेयर द वेटेड पैरामीटर, दूसरा जो टर्म है जो मैं निकाल रहा हूं यहां पे वो है वेटेड पैरामीटर, सेकेंड दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इज द वेटेड पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर कैपिटल पी। अब देखो बच्चे, मैंने जो क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया था ना, दिस वाज द माय क्रॉस सेक्शन, मैंने कुछ इस तरह से अपना एक ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, ठीक है, मैंने ये ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, और मान लो ये इस चैनल में पानी का डेप्थ है, कितना डेप्थ है यही तो हमें निकालना है बेसिकली, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, इतना डेप्थ तक वाटर प्रेजेंट है, राइट, और ये मैंने बेस विड्थ बोल दिया चैनल का, राइट, साइड स्लोप दे के रखा है हमें, 1:1/2 दिया है, एक वर्टिकल और हाफ हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के अंदर, क्रॉस सेक्शन के अंदर वो चैनल की लेंथ जो वाटर के कॉन्टेक्ट में है, देखना जो रेड से कर रहा हूँ ये वाला, मुझे बस इतनी लेंथ लिख देनी है वेटेड पैरामीटर के अंदर, आई एम गोइंग टू राइट ऑनली दिस रेड वन पोर्शन लेंथ, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, इसके लिए मुझे ये साइड की लेंथ चाहिए, दिस साइड स्लोप लेंथ, ये मुझे पता होनी चाहिए, उतना इस तरह भी होगा, आर यू गेटिंग, दिस इज द साइड स्लोप लेंथ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो आप, आपको गिवन है यहाँ पे साइड स्लोप 1 vertical is to 1/2 हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल है कितना, वर्टिकल मतलब डेप्थ ऑफ वाटर कितना है वाई, तो इसका आधा कितना हो गया, वाई बाई टू हो गया क्या, तो ये वाली जो वैल्यू होगी बच्चे ये वाई बाई टू हो गया, आर यू गेटिंग, दिस वैल्यू इज नथिंग बट वाई बाई टू, और ये वाला वैल्यू आपको बी ही मिलेगा जो बेस फिट था उसके बराबर, तो निकालो आप साइड स्लोप, कैसे निकालोगे साइड स्लोप लेंथ, तो साइड स्लोप
लेंथ फ्रेम कर दो, किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस वाई बाई टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर आएगा, तो ये फाइव वाई स्क्वायर बाई फोर बनेगा, तो ये वाई बाई टू अंडर रूट फाइव बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया यहाँ पे, साइड स्लोप की लेंथ, एक साइड स्लोप की लेंथ निकली, तो पैरामीटर कितना हो गया, ये पैरामीटर लिखना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, ये बी प्लस, ये साइड स्लोप की लेंथ कितना आया, वाई इंटू अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू, ये वैल्यू कितना निकल के आ रहा है बच्चे, दिस इज कमिंग टू बी वाई अंडर रूट फाइव अपॉन, सॉरी हाँ, वाई अंडर रूट फाइव अपॉन टू, और इसको आपने दो बार ऐड करना है या दो से मल्टीप्लाई कर लो, बात हुई कि किसी संख्या को दो बार जोड़ लो, दो से गुणा कर लो, आंसर तो सेम ही आता है, राइट। तो ये जो हमें वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है, तो पी इक्वल टू बी प्लस ये टू टू आधा आधा जोड़ोगे कहीं कंप्लीट हो जाएगा, तो वाई अंडर रूट फाइव आ जाएगा, और अंडर रूट फाइव रूट फोर का वैल्यू होता है टू, चार का स्क्वायर रूट दो, दो से हल्की सी बड़ी वैल्यू आएगी, और हल्की सी बड़ी वैल्यू लगभग आपको जो मिलती है वो 2.3 के करीब मिलेगी है। ठीक है, यू कैन चेक इट, 2.23 आएगा, 2.3 नहीं बट 2.23 के करीब वैल्यू मिलती है, सो दिस अंडर रूट फाइव इट इज कमिंग टू बी 2.23। ठीक है, तो मेरा एक तो फॉर्मूला ये फ्रेम हो जाएगा, वेटेड पैरामीटर जो निकला बच्चे यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन के बिहाफ के ऊपर प्लस 2.23 टाइम्स ऑफ वाई, और वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला भी हमारे पास है, एम्पेरिकल रिलेशंस है, वेटेड पैरामीटर आल्सो, वेटेड पैरामीटर इज गिवन बाय 4.75 स्क्वायर रूट ऑफ डिस्चार्ज इन द चैनल, ये भी एक फॉर्मूला गिवन है। अब 4.75 ये तो आपके जेई और एई में भी आता है क्वेश्चन, 40 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और 49 का 7 हो गया, 6 और 7 के बीच में वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लोगे बच्चे आप, तो ये वैल्यू आती है 30.04 मीटर के अंदर आ रही है, दिस इज कमिंग इन मीटर, 30.04 मीटर। ठीक है जी, अब क्या करना है बच्चे, आपने वेटेड पैरामीटर लिख लिया वहाँ पे, ये देखो इधर, तो ये आप यहाँ पे इक्वेट कर लो इसको, इधर ना आप इन चीज़ों को इक्वेट कर लो, पी की जगह आप लिख लो 30.04 और बी प्लस 2.23 टाइम्स ऑफ वाई हो जाएगा, तो P की जगह आ गया 30.04 विच इज फर्दर इक्वल टू B प्लस 2.23 टाइम्स ऑफ Y, इसको आप इक्वेशन नेम कर दो, लेट बी इक्वेशन नंबर वन, लेट बी इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन वन बोल दो। ठीक है, अब आप वही वाला फिगर उठा लो, उसका एरिया बता दो कितना होगा, ये देखो इसका एरिया बता दो कितना होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया बता दो कितना होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको साइड स्लोप लेंथ बता दिया कितना था, और ये कितना आया था, ये y बाई टू आया था क्या, ये भी y बाई टू था, तो टॉप विड्थ चेक कर लो कितनी आ गई, व्हाट इज द टॉप विड्थ, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, टॉप विड्थ t इक्वल टू बी प्लस y बाई टू प्लस y बाई टू, तो y बन जाएगा ये। ठीक है, चलो लिख देता हूँ कम्प्लीटली, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी डाउट होगा कि ये y कहाँ से लिख दिया सर ने। ठीक है, तो लिख देता हूँ, तो b प्लस वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू, ठीक है, टॉप विड्थ हो गया ये, तो b प्लस वाई हो गया क्या टॉप विड्थ। फिर अब मुझे एरिया लिखना है किसका, इस ट्रेपोजॉइडल सेक्शन का, तो ट्रेपोजॉइडल का जो एरिया होता है, अगर आप एरिया लिखोगे ट्रेपोजॉइडल का, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है बच्चे, दूसरा ये तरीका है कि ये जो ट्रेपीजियम हमारे पास है ना, इसको आप स्प्लिट कर लो। एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके लिए आप निकाल सकते हो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके। दूसरा आपके पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया, ये वाला बी इंटू वाई, एक एरिया ये आ जाएगा, ये आपको वाई बाई टू पता है, ये वाई गिवन है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर दो तो एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आप यहाँ पे तरीके लगाने चाहते हो एरिया कैलकुलेशन के लिए, आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही फॉर्मूला लगाना डायरेक्टली। तो ये 1/2 बेस विड्थ है बी, टॉप विड्थ निकल के आया बी प्लस वाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो वाई ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना देखो जरा, तो कौन कौन सी पैरेलल है, ये साइड और ये साइड, मतलब टॉप विड्थ और बॉटम विड्थ, दीज आर द पैरेलल, राइट।
तो ये लिख दिया फॉर्मूला। नेक्स्ट एरिया एज इट इज रखा बच्चे 1/2, बी प्लस बी 2b हो गया, प्लस वाई एज इट इज, और वाई इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम कर लेते हैं, लेट बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वेलोसिटी हमने निकाल के रखी है, डिस्चार्ज हमें गिवन है, तो हमें ये भी पता है कि हमारा जो डिस्चार्ज होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, वी नो वेरी वेल। ठीक है, वी नो, और ऐसा लिख दो यहाँ पे आल्सो डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, देयरफॉर दिस एरिया इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। डिस्चार्ज गिवन था 40 क्यूबिक का और वेलोसिटी निकला था 0.811 का, ये क्यूबिक मीटर पर सेकंड में है क्यूमेक, और ये आपका मीटर पर सेकंड में निकला था। इसको सॉल्व कर लोगे आपको एरिया मिल जाएगा, और एरिया जो निकल के आ रहा है 49.32 निकल के आ रहा है, दिस इज 49.32 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो जी अब आप फॉर्मूला वाइज भी एरिया का लिखे हो यहाँ पे देखो जरा, और ये भी यहाँ पे वैल्यू निकली है 49.32, करो यहाँ पे पुट इक्वेशन 2 में लिख दो यहाँ पे, तो लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, वी गेट। इक्वेशन 2 में आप वैल्यू पुट करो, देखो क्या मिल रहा है आपको, कर लो पुट, तो ये कितना आया था 49.32, और यहाँ पे तो आपके पास 2b प्लस वाई, और वाई से मल्टीप्लाई हो रहा था और होल डिवाइड बाई 2b था, राइट। अच्छा ये थोड़ा सा बीच में रुक जाता है ना, 2b प्लस वाई इंटू वाई बाई 2, राइट, ये एरिया हो गया था। ठीक है जी, तो दो इधर गुणा कर लो, दो इधर गुणा कर लोगे तो इक्वेशन आएगा 2b प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49.32 को दो से गुणा कर लो, आपको वैल्यू मिल जाती है 98.64 आ जाएगा, 98.64 आ गया। ठीक है जी, लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड इक्वेशन को देखो, इसमें दो वेरिएबल है, एक बी है और एक वाई है, एक इक्वेशन से आप दो वेरिएबल नहीं निकाल सकते हो, आपको एक और इक्वेशन यहाँ पे चाहिए पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा, नाउ व्हाट टू डू। अब एक काम कर लो बच्चे, जो वेटेड पैरामीटर वाला इक्वेशन था उसको यहाँ पे यूज कर लो, देखो कहाँ था वो, पीछे था, वेटेड पैरामीटर वाला इक्वेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं, देखते हैं, रुको जरा, ये देखो ये इक्वेशन नंबर वन जो था ये देखो जरा, इधर ये निकला था, यहां से काम करते हैं, बी निकाल लो, और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30.04 माइनस 2.23 टाइम्स ऑफ वाई, इसको आप इक्वेशन नंबर यहां पे 4 नेम कर दो, यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3 वी गेट, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में डाल दो, आंसर मिल जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, ये देखो जरा, ये आया इक्वेशन 3, यहाँ पे 2b है, 2 एज इट इज, b की जगह आपने कितना लिखना था, वट यू आर गोइंग टू राइट इन प्लेस ऑफ b, दैट वॉज 30.04, और इसमें से आई थिंक मेरा चेक कर लो b कितना आया था, माइनस आया था ना मेरे ख्याल से, दैट वॉज अ माइनस, यस माइनस 2.23, माइनस 2.23 टाइम्स ऑफ y, ठीक है, और ये तो 2b हो गया, b आ गया, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 98.64, करो सॉल्व यहाँ से y मिल जाएगा, बच्चे मिल गया भाई, डेप्थ ऑफ फ्लो इसने पूछा था, कैलकुलेटेड पॉजिटिव वाली वैल्यू उठानी, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है, दो वैल्यू आएंगी, ऑलवेज जो डेप्थ ऑफ फ्लो है पॉजिटिव लेके चलना है। अब जैसे आपको y मिल गया बच्चे, आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लो y, आपको विड्थ भी मिल जाएगा चैनल का, जैसे आपको डेप्थ ऑफ फ्लो मिला आप यहाँ पे उसको पुट करो, यूज करो y की वैल्यू, पुट हेयर जो कैलकुलेट वैल्यू, आपको b भी मिल जाएगा। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद साइड स्लोप का भी एक फॉर्मूला होता है, सॉरी चैनल के बेड स्लोप का, साइड स्लोप तो गिवन है ना, चैनल का बेड स्लोप, जो बेड स्लोप का बच्चे फॉर्मूला होता है, जिसे मैं कैपिटल एस से शो कर रहा हूँ बेड स्लोप को, आई एम जस्ट डिनोटिंग इट विद कैपिटल एफ, कैपिटल एस विच इज इक्वल टू बेड स्लोप, देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एफ रेज पावर 3/2, एफ तो गिवन है 1, सिल्ट फैक्टर होता है 1, नहीं गिवन होगा हाउ टू कैलकुलेट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे यहाँ पे 3340 3340
और यहाँ पे क्यू रेज पावर, क्यू डिस्चार्ज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, रेज पावर 1/6, ऑब्जेक्टिव ए में भी न्यूमेरिकल आ चुका है इसके ऊपर, तो यहाँ पे डाटा पुट करो, डिस्चार्ज गिवन है, ये तो 1 है, 1 की पावर जितना मर्जी कर लो बच्चे 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये 40 इसकी पावर 1/6 करना पड़ेगा सॉल्व आपको, इवन ऑब्जेक्टिव में जहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होता ये क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के। तो ये आ रहा है लगभग जो आंसर आ रहा है बच्चे इसका, वेट स्लोप का 1/6177, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या डाटा पूछा था, हमने सारा डाटा निकाल दिया, तो मेरे ख्याल से आपको 10-1 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लग सकते हैं, इसके ऊपर समय नहीं लगेगा, इसके ऊपर 15 मिनट भी बहुत बोल दिया, 10 मिनट आप विद डायग्राम अच्छे से अगर आप फ्रेम करना चाहते हो, ठीक है जी। वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाल दिया, विड्थ ऑफ चैनल निकाल दिया, डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल दिया, हाइड्रोलिक मीन रेडियस हमने कैलकुलेट कर दिया, लॉन्गिट्यूड स्लोप हमने निकाल दिया। तो ये हमारा 5 के 5 पार्ट डिस्कस हो गए जो पेपर के अंदर पूछे हुए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपने पेपर लिखना है। आपको अगर चीजें पता है बच्चे तो आपकी राइटिंग स्किल भी मैटर करेगी सिलेक्शन के अंदर, राइट। अगर आप जुड़ना चाहते हो यूरपीडिया के साथ, यू कैन ज्वाइन यूरपीडिया। ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट 34 सेक्टर के अंदर हमारा बच्चे सेंटर ये सिचुएटेड है, यू कैन विजिट द सेंटर आल्सो, राइट। चलिए, जय हिंद, जय भारत। Thank you.